नवी मुंबई नेटवर्क। साल गुरु दिनाल इस ब्रदवाक्य के साथ हर साल की भांति इस साल भी सुप्रीम काउंसिल नवी मुंबई गुरुद्वारा और दशमेश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सीवोट करावे स्थित गणपत शेठ टांडेल मैदान में गुरुबानी कीर्तन समागम का आयोजन कर नए साल का स्वागत किया जाएगा। आगामी 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस कीर्तन समागम में न केवल कीर्तन साथ ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए नए साल का स्वागत किया जाएगा, जिसमें न केवल नवी मुंबई बल्कि समस्त एमआर रीजन के लोग शिरकत करेंगे। 14 वर्षों से आयोजित गुरबानी कीर्तन समागम की अधिक जानकारी एक पत्रकार परिषद में देते हुए सुप्रीम काउंसिल नवी मुंबई गुरुद्वारा के जनरल सेक्रेटरी एमएस रंधावा ने देते हुए कहा कि लोगों में विशेष रूप से शराब और नशे की लत में घिरे आजकल के युवाओं को आध्यात्मिक विचारधारा से जोड़ने के मकसद के साथ हर साल गुरबानी कीर्तन समागम का आयोजन किया जाता रहा है, ताकि युवा नए साल का स्वागत पब और क्लब में न जाकर समागम में सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर नव वर्ष का स्वागत करें। देखिए, जो हम लोग बाहर से स्पेशल कीर्तनियाँ जैसा मंगवाते हैं, कथाकार मंगवाते हैं, उनको पहले ही वो भी पूछते हैं और हम भी बताते हैं कि ये जो प्रोग्राम है पूरी संगत के लिए है, लेकिन स्पेशली बच्चों को शिक्षा देनी है। तो गुरु ग्रंथ साहब में हर के लिए शिक्षा है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। सिख नाम किसे आया सीखना, आदमी जन्म से लेकर मरने तक भले वो 100 साल का हो सीखता ही है। तो गुरबाणी में सबके लिए शिक्षा है, तो वो उसी हिसाब से वो अपने व्याख्यान करते हैं, उसी हिसाब से अपने शब्द पढ़ते हैं कि जो बच्चों को और इस तरीके से बताते हैं कि बच्चों की समझ में आ जाए। गुरु ग्रंथ साहब जो है ये सबका साझा है, अखाल ये केवल सिखों का नहीं है, सब धर्मों का है। हमारे सब गुरुओं ने बोला कि सब इंसान एक है और भगवान एक है, एक ही भगवान के सब इंसान बनाए हुए हैं। तो उसमें वाणी भी उसी तरीके से है, एक्सप्लेन करने का तरीका से अगर बराबर से एक्सप्लेन किया जाए एक छोटा बच्चा भी वो समझ सकता है। तो उसी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है और वो बराबर सुनते हैं बच्चे, उनको इंटरेस्ट आता है। और दूसरी बार बोलते हैं, नेक्स्ट डे बोलते हैं हमने जल्दी जाना है, कल हमारा मिस हो गया। हमारे घर में भी पोते पोती हैं, वो भी हमारे को बताते हैं कि आज जल्दी जाएंगे। तो इसी तरह हर घर में सब बच्चे यही चाहते हैं कि हम जल्दी जाएंगे और रहेंगे, वहाँ सेवा भी करेंगे और शिक्षा भी लेंगे। तो ये चीज़ देखने को मिली और समझ इसलिए आती है कि हमारे को वहाँ पे काम करने के लिए, सेवा करने के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता है। खाली मान लो एक इंचार्ज बना दिया कि ये लंगर का है, उसके अंदर 100 आदमी 1000 आदमी काम करने वाला है, 1500 आदमी काम करने वाला है, ऑटोमेटिक जुड़ जाता है और सब यूथ काम करते हैं। तो उससे मालूम पड़ता है कि यूथ जुड़ गया और जो पेरेंट्स हैं इतने खुश होते हैं कि हमारी ये 3 साल जो पूरा साल जो हम वेट करते हैं ये 3 दिन के अंदर हमारे को अगले साल का भी और पिछले साल का भी फल मिल जाता है, क्योंकि बच्चे हमारे साथ हैं। इस पत्रकार परिषद में दशमेश चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रोग्राम कन्वेनर हरजिंदर सिंह सैनी और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।